गाइस नेक्रोमांटिक मूवी के पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि जो ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद में उसकी ग्रेव को दिखाया जाता है और उसी वक्त उसके ग्रेव को एक लेडी आके खोदती है। और अब हमें इस मूवी में इसके आगे दिखाया जाता है, यहाँ पर एक लेडी फावड़ा लेके कब्रिस्तान में आती है और उसके बाद में वो जो की कब्र खोदने लगती है। एक बड़े से फावड़े की मदद से खुद ही बिना किसी की मदद लिए वो बड़ा सा गड्ढा खोद लेती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि जो की ही वाइफ होती है, जिसका नाम बेटी है। थोड़ा आराम करने के बाद में वो फिर से खुदाई में लग जाती है और अंत में उसे जो का कॉफिन मिलता है और उस कॉफिन के अंदर जो का मुर्दा शरीर होता है। बेटी उस मुर्दा शरीर को अपने घर में ले आती है। घर में लाने के बाद में उस डेड बॉडी को एक टेबल पर रख देती है और इसके बाद में अब वो उसके शरीर के ऊपर से कपड़ा हटाती है। बेटी अब जो के मुर्दा शरीर को छूना शुरू कर देती है। ये मुर्दा शरीर बेहद ही चिपचिपा और घिनौना सा लग रहा होता है, मगर बेटी उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। काफी देर तक वो उसके साथ में रोमांस करती है, लेकिन अचानक से बेटी की तबीयत जैसी कुछ खराब होने लगती है। उसे उल्टी आने लगती है, जिससे वो टॉयलेट में जाके उल्टी करती है। अगले दिन अब बेटी उस मुर्दा शरीर को थोड़ा साफ करती है। वो उसके पूरे शरीर पर से चिपचिपाहट पोंछ देती है और उसके बाद उसके शरीर के पास कुछ फ्लावर्स के गुलदस्ते रख देती है, जिससे उससे आने वाली घिनौनी बदबू कम हो सके। अब नेक्स्ट सीन में हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी एडल्ट मूवीज की वॉइस ओवर के लिए वॉइस डबिंग में काम करता है। मार्क को अगले दिन बेटी का कॉल आता है। बेटी और मार्क नेक्स्ट वीकेंड में डेट के लिए जाने वाले होते हैं, मगर बेटी उससे कल ही साथ में चलने को कहती है और दोनों लोग साथ में मूवी जाने का प्लान बनाते हैं। मार्क काफी पहले ही मूवी थिएटर पर पहुंच जाता है। काफी देर इंतजार करने पर भी बेटी नहीं आती है, तो मार्क कोई रैंडम गर्ल के साथ में मूवी के टिकट दो होने पर उसके साथ में मूवी देखने को कह देता है, जिसे मोनिका नाम की एक लड़की मार्क के साथ में मूवी देखने के लिए चल देती है। दोनों लोग अंदर जाने के बाद में मूवी को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन थिएटर के बाहर थोड़ी देर बाद में बेटी भी आ जाती है, मगर मार्क उसे वहां पर नहीं मिलता है तो इसलिए वो वहां से चली जाती है। मार्क मोनिका को अपने घर ले जाता है। दोनों लोग साथ में लंच करते हैं। मार्क मोनिका को अपने काम के बारे में भी बताता है और मोनिका भी बताती है कि वो हॉस्पिटल में नर्स है। मार्क के मोनिका से मिलने के बाद में वो बेहद ही खुश होता है। मार्क को अपने काम में अब और भी मन लगने लगता है। दोनों लोग साथ में काफी एंजॉय करते है। वो हर जगह एक साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। मार्क को यहाँ पर मोनिका से प्यार हो गया होता है और इस साइड बेटी अपने घर पर अकेला, बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती है। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके मन में ऐसा क्या आता है कि वो जाके उस मुर्दा शरीर को आरी की मदद से काटने लगती है। वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके प्लास्टिक के बैग में रख देती है, मगर फिर से उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिसके बाद में वो उस प्लास्टिक के बैग से जो का प्राइवेट पार्ट और उसका सर निकाल कर रख लेती है और बाकी जो बचे हुए प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उसे फिर से वो उसी कब्र में जाकर फेंक देती है। अब इसके बाद में बेटी मार्क को अपने घर पर इनवाइट करती है। दोनों लोग साथ में काफी इंजॉय भी करते हैं, जिसके बाद में दोनों लोग रोमांस के साथ में सेक्सुअली इंटीमेट भी होते हैं। सोते समय रात में मार्क की नींद खुल जाती है, जिसके बाद में वो फ्रिज के पास में पानी पीने के लिए जाता है, मगर उसे वहां पर फ्रिज के अंदर एक प्लेट में जो का प्राइवेट पार्ट मिलता है। मार्क तुरंत समझ जाता है कि बेटी किस टाइप की लड़की है। मार्क अगले दिन यहां से उसकी कुछ फोटोज को लेकर निकल जाता है और बाहर किसी दूसरी जगह पर बेटी को मिलने के लिए बुलाता है। मार्क अब बेटी से अपने और मोनिका के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले एक लड़की से मिला था, मैं उसे पसंद करता हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं और अब हम इसके बाद में अब नहीं मिलेंगे। बेटी से ब्रेकअप के बाद में मार्क काफी दुखी होता है, मगर वो साथ में ये भी सोचता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बेटी शायद मेरे साथ में भी वैसा ही काम करती है। मार्क अब थोड़ी देर बाद में मोनिका के घर पर जाता है। मोनिका यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में एक डिस्टर्बिंग मूवी देख रही होती है, लेकिन मार्क के आने के बाद में सभी लोग यहाँ से चली जाती है और मार्क और मोनिका दोनों साथ में पिज्जा एंजॉय करते हैं। मार्क टीवी में चल रहे डिस्टर्बिंग मूवी को देख कर ये कहता है कि तुम ये सब टीवी पर क्या देख रही थी, इसमें तुम्हें क्या फन मिलता है, जिसके रिप्लाई में मोनिका कोई भी जवाब नहीं देती है। अगले दिन अब जब मोनिका हॉस्पिटल में अपने काम पर जाती है तो वहां पर उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं, जिसमें जो की डेड बॉडीज की तस्वीरें और साथ में मार्क की बेटी के साथ में फोटोज भी होती हैं। इसे देखकर मोनिका बेहद गुस्सा हो जाती है। वो ये सोचती है कि इस लड़की का मार्क के साथ में कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, जिसे मार्क ने उसे अभी तक नहीं बताया हुआ है, जिसके बाद में उसी दिन जब
जब मार्क मोनिका के घर आता है और वो दोनों साथ में रोमांस करने लगते हैं, तो उसी वक्त रोमांस करते हुए मोनिका एक तेज धार वाले चाकू से मार्क के गले को काट देती है, जिससे मार्क की वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन मोनिका अभी भी रोमांस करना बंद नहीं करती है, मगर यहीं पर आखिरकार इस मूवी का भी एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी नेक्रोमांटिक मूवी के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग ने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसका पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग को ये मूवी समझ में आएगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।